गाइस वेलकम टू द चैनल, दिस इज राजलोचन नीचे। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को कहना चाहूँगा थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड सपोर्ट। फाइनली मैंने कंप्लीट किया हूँ 1K सब्सक्राइबर्स। तो एक्चुअली एक लंबा सफ़र हो गया 2016 से लेकर 2019 तक, एक लंबा सफ़र हुआ, फिर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं। फाइनली आप लोग के सपोर्ट के बदौलत आज कंप्लीट हुआ मुझे। एक्चुअली कल ही हो गया था, एक्चुअली हो गया कि आप सभी को तो मालूम है यहाँ पे जो साइक्लोन आ रहा है अभी, जिसका नाम है फनी, तो उस हिसाब से उसके लिए एक्चुअली कल मैं रात को कुछ नहीं कर पाया। और मैं सोचा कि आप सभी के सामने कैमरा के थ्रू आप सभी के साथ थोड़ा एक इंटरेक्शन करते हैं, इसीलिए मैंने आप सभी के लिए ब्लॉग बनाया। और आप लोगों का जो सपोर्ट मुझे अब तक मिल रहा है उसी हिसाब से फाइनली आई हैव कंप्लीटेड द 1K सब्सक्राइबर थ्रेशोल्ड। तो उसी हिसाब से आगे भी हम चलते रहेंगे, इसी हिसाब से आप सभी का प्यार मिलते रहेंगे। और एक्चुअली होता है कि बहुत ही किस्सा है इसके साथ, कुछ टाइम इसके बारे में हमें तो कुछ मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं पता हुआ था एक्चुअली अबाउट यूट्यूब, यूट्यूब होते थे क्या, उस हिसाब से लोग कैसे बनाते हैं, क्रिएटर कौन होता है, व्यूअर्स हम बस देखते थे उस हिसाब से। उस टाइम हम लोग के पास कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं था। और जब 4G हम लोग को मिला उसके बाद ही हम लोग को धीरे धीरे मालूम पड़ा। और एक लंबा सफ़र हो गया मेरे लिए 2016 में। सबसे पहले मैंने ब्लॉग स्टार एक ब्लॉग बनाया था एक्चुअली, उस टाइम मैं गया था नैनीताल एक्चुअली, उसका एक छोटा मोटा ब्लॉग बनाया था। उसका बनाने के बाद मैंने उसे यूट्यूब में डाला था, वही मेरा सबसे पहला वीडियो था, लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा, आप देख सकते हो वहाँ पे। तो एक्चुअली उस टाइम हमें तो उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं, धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया। और उसके बाद एक्चुअली होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन में फेस करता था, बेसिकली आई बिलोंग टू द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया असम, और हो गया क्या असमीज इज़ माई मदर टंग। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स फॉलोअर्स मुझे बोलते हैं भाई तू असमीज होके तो हिंदी में क्यों ब्लॉगिंग कर रहा है। एक्चुअली होते हैं क्या दोस्तों, मेन थीम हो गया उस टाइम मैं एजुकेशन कर रहा था हरियाणा में, तो एक्चुअली नॉन असमीज फ्रेंड्स का मेरा एक कलेक्शन था उस टाइम, मेरा नॉन असमीज फ्रेंड थोड़ा ज़्यादा था, उस हिसाब से उन लोगों के साथ मुझे इंटरेक्शन करना पड़ता था। और उसी हिसाब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हिंदी में, और धीरे धीरे करके आज आप लोग के साथ में हूँ, बस आप लोग का प्यार मिल रहा है। और एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, हाल ही में एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स फॉलोअर्स उन लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि तू असमीज में भी कुछ अगर ब्लॉगिंग करेगा तो एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट पार्ट इट्स टोटली अवर, एक्चुअली क्या है नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप सभी को थोड़ा बहुत तो मालूम होगा, वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेस है जो कि हम आपके हम थ्रू आउट कर सकते हैं। तो उन लोगों ने भी मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया, और हाल ही में मैंने असमीज में भी ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी जा सकते हो, उस चैनल में भी आप जाके विजिट कर सकते हो, वहाँ पे जाके अच्छी तरह से आप देख सकते हो कुछ अगर नया असमीज देखना है तो। इफ़ यू इंटरेस्टेड टू लर्न समथिंग इन असमीज ऑल्सो वहाँ पे आप जा सकते हो। और इस चैनल में जितना हो सके मैं हमेशा मैं प्रमोट करता रहूँगा, जितना हो सके खुद को मैं प्रमोट करने के लिए सोचता रहूँगा, जितना हो सके नया कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए नया नया ट्विस्ट हमेशा लाता रहूँगा, जितना हो सके मैं ट्राई करूँगा। और हाल ही में मेरा लास्ट जो मेरा ब्लॉगिंग सीरीज था एक श्रीलंका का जो ट्रैवल ब्लॉग का सीरीज़ था, उसमें आप सभी ने बहुत सारा सपोर्ट किया, उस हिसाब से जो सपोर्ट आप लोगों ने दिया है उसे हमेशा देते रहिए, और हम भी आगे बढ़ते रहेंगे, और हमेशा आप लोग का प्यार चाहिए। एक्चुअली होते क्या दोस्तों, मेन थिंग इज़ यू, आप लोग अगर नहीं होगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। जो क्रिएटर्स लोग होते हैं वो आपके पास कोई भी क्रिएटिविटी हो, कुछ भी हो, आप बस क्रिएट कर रहे हो उसे, ठीक है। और हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है दैट इज़ द यूट्यूब, वहाँ पे हम दे रहे हैं, उसके स्वभाव में जाके सेव हो रहे हैं, कुछ साल बाद भी अगर हम उसे देखेंगे तो उसे मिल जाएगा, हम देख पाएंगे उसे, जब तक इंटरनेट है, जब तक गूगल है, जब तक यूट्यूब है, तो हम देख पाएंगे। क्योंकि जब व्यूअर्स अगर नहीं रहेंगे, अगर आप लोग नहीं रहेंगे, आप लोग उसे देखेंगे उसके बाद उसका रिव्यू आप बताएंगे कि बहुत अच्छा है, ये है उसमें कुछ नया चाहते हो, उस हिसाब से अगर आप लोग नहीं रहेंगे तो टोटली इट्स वैल्यूलेस। अगर हम कुछ बनाते हैं फिलहाल अभी भी आप लोगों के साथ जो कुछ कर रहा हो उस हिसाब से आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आता तो इट्स टोटली वैल्यूलेस है कंडीशन है उसी हिसाब से। तो दोस्तों क्या कहें, बहुत ही खुशी का माहौल है मेरे लिए, जो हम लोग ट्राई कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ आप सभी के लिए, उसका एक रेस्पॉन्स आप लोगों से मिला है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड सपोर्ट। इसी हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे, वही सोच के हम आप सभी का सपोर्ट चाहिए और उसी हिसाब से हम आगे चलते रहेंगे। तो दोस्तों जो सपोर्ट आपने मुझे दे के रखा है उसी हिसाब से हमेशा करते रहिए, और मैं भी आप सभी के लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहूँगा, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो यही कुछ छोटा मोटा टिप्स है, छोटा मोटा एक वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, और थैंक यू तहे दिल से कहना चाहूँगा लास्ट में, तहे दिल से थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड सपोर्ट, उसी हिसाब से हमेशा सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना भूलना मत दोस्तों। और इस चैनल के बारे में थोड़ा अगर आप लोग के फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर देंगे भाई, बहुत मेहरबानी होगा, उसी हिसाब से थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो यही कहना चाहूँगा बस। और मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ, तो आज के लिए बस लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा, आप सभी का जो प्यार मुझे मिला है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, जो कंप्लीट किया हो 1000 सब्सक्राइबर्स का, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया ब्लॉग और अमेजिंग ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही।